लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज लाइव। समाजवादी
नहीं पड़ रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे महिलाओं के सम्मान में, सम्मान में, पीछे आ जाओ, पीछे पीछे एक चैन बना लो पीछे। आप लोग दो मिनट, आप लोग आगे आओगे, आप लोग आगे आओगे। चैन फाइन भाई, चैन बना लो, यहाँ से हट जाओ यार, मेरे सामने से हट जाओ भाई। साथियों थोड़ा नारे लगाएंगे, उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने ये रैली क्यों रखी गई है, ये मोर्चा ये धरने प्रदर्शन क्यों किया गया है, उस पर विस्तार से आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे और भाजपा की दोगली पॉलिसियों को बताएंगे, इनकी कथनी करने का फर्क बताएंगे जरूर, इनकी बेशर्मी इनकी बेगैरती बताएंगे। बिल्किस बानो को आप बोलेगा इंसाफ दो, बिल्किस बानो को इंसाफ दो, 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 दोषियों को दोषियों को दोषियों को महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। अरे बोल अबू आसिम हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अबू आसिम हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जी यादव हल्ला बोल, हल्ला बोल, यादव हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कोई नहीं है टक्कर में, आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी, आज का ये रैली, आज का ये मोर्चा का आयोजन क्यों किया गया है, उस पर विस्तार से आपसे बातें करेंगे। अरे बोल अबुआ सिंह हल्ला बोल, बोल अबुआ सिंह हल्ला बोल, बोल अबुआ सिंह हल्ला बोल। तमाम समाजवादी पार्टी के साथियों, हमारे एमएलए रशीद शेख साहब, रईस शेख साहब, पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी मेराज साहब, तमाम नगर सेवक, तमाम पार्टी की शक्ति, पार्टी की ताकत, दोस्तों भाइयों और बहनों, 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, उस वक्त एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चला गया, और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को यह वादा किया गया था कि इस मुल्क का संविधान बनेगा जिसमें हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई में कोई अंतर नहीं होगा, मस्जिद में अजान होगी, नमाज होगी, मंदिर में घंटी बजेगा, पूजा होगी और सब मिलकर गाना गाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भी बुले हैं उसके ये गुलशिता हमारा, ये तय हो गया था। इसलिए हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पर लड़कर अपनी जान गंवाई है, हम कभी पीछे नहीं हटे हैं।
लेकिन वो लोग जो गद्दार थे, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, जेल में रहकर मर्दों की तरह हिजड़ों की तरह से चिट्ठी लिखते थे, माफ कर दो हमको, हम छूट जाएंगे तो गांधी जी के आंदोलन को भी ये मटिया मेल कर देंगे। तारीख गवाह है इस बात की। वो लोग जो आज अपने आप को इस देश का प्रेमी बनते हैं, उन्होंने छूटने के बाद गांधी जी का जो आंदोलन था विदेशियों के खिलाफ, देसी हमारे मुल्क के सामान को यहाँ बेचा जाए, खरीदा जाए और विदेशियों का पूरा बाइकॉट किया जाए, तारीख गवाह इसी बंबई के अंदर रहने वाले बहुत से मेमन लोग, बहुत से बोरी लोग जिनके पास लाइफ बॉय, मुगल लाइन की जहाज, सनलाइट साबुन, इस्टो और बहुत सारी जहाज की कंपनियां, जितनी कंपनियां थी इससे मुसलमानों को एजेंसी थी। जैसा गांधी ने आवाज लगाई, मुसलमानों ने इन एजेंसियों को लात मारकर फेंक दिया और कहा कि विदेशी चीज की हम होली जलाएंगे और विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो दिन है, आज का दिन है, मुसलमान गरीब हो गया, लेकिन ये गद्दारों ने उसी एजेंसियों को खरीद लिया और अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे। आज वो सत्ता में आ गए हैं, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान खत्म हो रहा है देश का। इनके 30 लोग बैठे हैं नए संविधान लिखने के लिए। याद रखना दोस्तों, हमें अपनी जान भी गंवाना पड़े तो क्या हुआ, हम इस देश के लिए अपनी जान भी गंवाने को तैयार हैं, हम अपना खून आखिरी कतरा भी बहा देंगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून को अगर बदलने की कोशिश किया तो याद रखना हम तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। अफसोस है, एक निर्भया कांड हुआ था, एक बच्ची रात को 10 बजे कहीं गई, बस में बैठे हुए लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी हत्या हो गई। पूरा देश खड़ा हो गया, सब पूरा देश चिल्लाया, पकड़े गए और फांसी की सजा हुई। मुझे बताओ कि जब 2002 के दंगों में बिल्किस बानो अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी, एक दरिंदों ने जाकर के पूरे परिवार को मार दिया, हत्या कर दी, सब मर गए, कोई बचा नहीं परिवार में। मैं तो गया था वहां पे। इस अकेली औरत को बहुत सारे लोगों ने इनके साथ बलात्कार किया। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तुम्हारी बेटी नहीं है क्या बेशरम, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये भारतवर्ष की बेटी है। एक तरफ इस बेटी के साथ लोगों ने कुकर्म किया, शर्म की बात है। मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। ये मैंने भारतवर्ष का 130 करोड़ जनता इस बात की हिमायत करना चाहिए। आप सुनिए क्या हुआ, जब पुलिस की गाड़ी आई ना तो पुलिस की गाड़ी ने पेट्रोल दिया और उसकी पूरी लांडी जला दी गई, ये सच्चा वाकया है। उसकी बेटी खड़ी थी, कहा डैडी आप जज हैं, आप इंसाफ करते हैं, आप कुछ कीजिए, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे तो यहां की सरकार ने कहा है कि मुसलमानों को सबक सिखाओ। ये सच्चा वाकया है, सच्चा वाकया है। ये आपने देखा नहीं, एक बाबू बजरंगी का वीडियो घूमता है, किसने देखा है बताओ, गड्ढे में डाल के जला दिया। अब सोच लो पेट्रोल गिरेगा, 100 लोग जलेंगे तो क्या होगा, लोग चिल्लाते रहे और मैं हंसता रहा, कैसा दरिंदा इंसान होगा। और बोला सब जल गए तो मैं अपने घर चला गया, मेरे पर FIR हो गया, मैं जेल चला गया। कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी जमानत की अर्जी जिस जज के पास डाली उसका नाम था ढोलकिया, वही कह रहा है। ढोलकिया साहब ने कहा ये बाबू बजरंगी है, इसकी जमानत हो ही नहीं सकती, इसको तो 5 फांसी मिलना चाहिए, 5 फांसी। वो इंसाफ पसंद जज था, नहीं जमानत मिली इसको। और कुछ महीने गुजर गए, फिर इसने अर्जी डाला, फिर दूसरे जज आए, उन्होंने कहा बाबू बजने की वो जमानत नहीं दी जाएगी। फिर कुछ दिन गुजर गए, फिर ये कहता है अपने स्टिंग ऑपरेशन में, खुद कहता है थोड़े दिनों के बाद मुझे नरेंद्र भाई का मैसेज आया। नरेंद्र भाई कौन? नरेंद्र भाई का जेल में संदेश आया। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये वो आदमी कह रहा है, बाबू बजरंगी की वीडियो सबके पास है, कोई झुटला नहीं सकता। वो कह रहे हैं नरेंद्र भाई का मैसेज आया कि बाबू तू घबरा मत, मैं एक अच्छी बेंच बिठाऊंगा, अच्छी बेंच मतलब अच्छा कोई जज सेटिंग कर दूंगा, आजकल सेटिंग भी होती है ना पैसे दे दे के।
सेटिंग कर दूंगा, तुम्हारी जमानत हो जाएगी। हम लोग चुपचाप जेल में बैठे रहे और एक दिन हमारी सेटिंग हो गई और हम सब जमानत पर बाहर आ गए। ये कानून है देश में, ये कानून चलेगा देश में। लोगों को ये भरोसा है कि एक बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत बड़ा गुंडा हो, बहुत बड़ा मवाली हो और अगर मेरे साथ जुल्म करेगा, मैं एक फकीर हूँ, एक बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मेरे साथ उस अमीर के सामने, गरीब अगर सही है ना, उस अमीर को सजा होगी और इस गरीब को इंसाफ मिलेगा। ये हमारे देश का कानून है, अमीरी गरीबी वहां कुछ नहीं है। आज मेरे जैसे आदमियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये ताकत दिया है, मैं खड़े होकर के अपने सबसे बड़े मालिक के खिलाफ पूरी ताकत के साथ बोल सकता हूँ, कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। आज क्या हो रहा है, आज हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, कानून लाया जाएगा कि हम उनके खिलाफ बोले ना पाए। आज ये बिल्किस बानो का केस गुजरात में चला नहीं चला, कहा कि यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा, ये हमने नहीं कहा, जज साहब ने कहा कि इस केस को यहाँ मत चलाओ, इस गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार में इंसाफ नहीं मिलने वाला है, इस बिल्किस बानो के मुकदमे को मुंबई ट्रांसफर कर दो। मुंबई ट्रांसफर हो गया, मुकदमा चला कुछ दिन तक, जितने मुजरिम थे, जिन्होंने कत्ल किया था, हत्या की, जिन्होंने रेप किया था, सबको पहचाना गया, हम सबको उम्र कैद की सजा हो गई। उम्र कैद की सजा हुई तो जेल कहाँ है, कहाँ के ये लोग हैं, गुजरात के ये लोग हैं, इनको गुजरात भेज दिया गया, वहां पर सजा ये लोग काट रहे थे जेल में। पूरे देश में आज कानून न्याय बनाने की बात हो रही है, निर्भया के केस में फांसी की सजा दी, लेकिन बिल्किस बानो के केस में उन हत्यारों को छोड़ करके उनका स्वागत किया गया, यह आपको कबूल है? नहीं। देश में दूसरा कानून चलेगा? नहीं। उसके खिलाफ आवाज आए हैं आप, आवाज उठाएंगे। मैं बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ, मुझे मालूम है इस सरकार के आज बहुत पुलिस ने हमको दबा दिया, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर साहब, डीसीपी साहब, जितने पुलिस स्टेशन है सब लोगों ने घेर लिया हमें, आप करेंगे तुम आपका आपको जेल भेज देंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्यों कि बीजेपी के राज में कोई ताकत कोई कानून तो है ही नहीं ना, जिसको चाहे आप जेल भेज दें, आज जो चाहे कर ले, आप जो खतावार है, जो दोषी है वो घूमेगा, जो सीधा आदमी है वो जेल में जाएगा। दोस्तों आप लोग को मालूम है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ आप इतनी बड़ी तादाद में आ जाए, लेकिन लड़ाई जारी रखना है, इस सरकार का चेहरा लोगों के बीच में भेजना है, ये देश हिंदू और मुसलमानों का बराबर का है, इस देश में इंसानियत है, यहाँ गांधी जी ने सबक दिया हमको, यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमको वादा किया था कि इस देश में इंसाफ मिलेगा। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई, मैं कहना चाहता हूँ बार बार, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए मोदी जी, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे मोदी जी भारत टूट जाएगा। आज ये हालत हो रही है, ताज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, जो सरकार की कमी है, नांदेड़ का एक आदमी सुनो आप लोग, नांदेड़ का एक हिंदू मराठी लड़का जिसका नाम है यशवंत शिंदे, जो आरएसएस का मेंबर है, उसने नांदेड़ की कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। हलफनामा क्या दिया है कि यही आरएसएस के लोग, यही लोग, इनकी जमातें जम्मू एंड कश्मीर में बम ब्लास्ट करने का, हथियार चलाने की ट्रेनिंग करते हैं, और जो देश में आतंकवाद हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, ये सब वही लोग करते हैं। अगर एक मुसलमान का नाम आ जाता, खुदा की कसम जमीन हिल जाती, आसमान हिल जाता। वो कह रहा है, हलफनामा दिया, खा बैठा है वहां पर, कहा मैं कोर्ट में गवाही दूंगा कि जितने ब्लास्ट हो रहे हैं ना, वो सब आरएसएस के लोग कर रहे हैं। उसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन करेगा इंक्वायरी, किससे इंक्वायरी कराएं? सरकार तो बेईमान है। मध्य प्रदेश के अंदर
ध्रुव सक्सेना नाम का इनका आईटी का इंचार्ज ध्रुव सक्सेना जो आईटी में काम करता है बीजेपी के, वो पाकिस्तान की आईएसआई की दलाली करके यहाँ के खुफिया दस्तावेज उसको भेज रहा था। तो अगर कोई संगठन आतंकवाद में जुड़ा है तो उसको बैंड लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगेगा, यहाँ पे उसको शाबाशी दी जाएगी। लश्कर ए तैयबा का एक आदमी जिसका नाम था तालिब हुसैन, जो कश्मीर में रहता था, वहां माइनॉरिटी और सोशल मीडिया का इंचार्ज था और गिरफ्तार हुआ था आतंकवाद ने, उसको बीजेपी ने टिकट देकर लड़ाया। तो देखो इनका कैरेक्टर कैसा है। धर्म संसद आप देखा था किसी ने टीवी पे? धर्म संसद में क्या हुआ था? हम शपथ लेते हैं कि 20 लाख मुसलमानों को की हत्या कर देंगे, उसमें बैन नहीं, उसमें सजा नहीं। सुदर्शन चैनल कहता है, शपथ लेता है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और एक तरफ दूसरी मुस्लिम कुछ तंजीम कहती है हम इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। अगर मुसलमान कहता है हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो वो देशद्रोही, उसको जेल भेज दो, और हिंदू कहता है, आरएसएस का कहता है हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसको सम्मानित करो। ये देश में कानून चलेगा? नहीं दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे मामले हैं। दाभोलकर को मर्डर करने वाला, पंसारे का मर्डर करने वाला, सनातन संस्था का आदमी पकड़ा गया, लेकिन उस पर बैंड नहीं लगा आज तक। सीमी पे बैंड लगा था, हम चाहते थे कि सीमिन के लोग आतंकवादी है तो उनको सजा मिले। हम कभी किसी आतंकवादी को सपोर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम में एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है, यह इस्लाम सिखाता है। और अगर कोई मुस्लिम संगठन आतंकवाद में जुड़ा हुआ है और मैं उसको सपोर्ट करूं तो मैं बहुत बड़ा गुनहगार हो जाऊंगा। मैं क्यों गुनहगार बनूं? सीमी पे कुछ है तो उसको भेजो अंदर, जेल भेजो। लेकिन जब सीमी के ऊपर गिरफ्तारी पहले शुरू हुई थी तो मैं कुर्ला में था और मैंने पुलिस स्टेशन का घेराव किया। मैंने कहा मुझे मालूम करना है कि इनकी क्या गलती है। तो उन्होंने कहा कि इनके पास हथियार मिले हैं। मैंने कहा मुझे उन लड़कों से मिलना है, हथियार देखना है। कहा नहीं देख सकते। मैंने कहा तुम्हारे बाप को दिखाना पड़ेगा। और मैं 100-200 लड़के लेके पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में बैठ गया। तो उन्होंने मुझे क्या बताया मालूम है? कि इनके पास छुरियां मिली हैं। मैंने लड़कों से पूछा जो पकड़े गए थे क्या है? बोले हमने कपड़े में लपेट करके वो छुरियां अपनी कबाट में रखा था, इसलिए कि बकरीद आएगी हम बकरे की कुर्बानी करेंगे और उस चमड़े को उसके अवज लेकर के उसको बेचकर गरीब बच्चों की मदद करेंगे। पकड़ लिए गए वो लोग, पूरे देश में सीमी के लोग पकड़े गए। हम उम्मीद थी कि सीमी के खिलाफ बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन दिल्ली में एक महिला जज 252 पेज का जजमेंट देती है। वो हिंदू औरत है, वो कहती है कि सीमी के खिलाफ आज तक हमें एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि हम सीमी पे बैंड आगे लगा सकें। इसमें हम बैंड उठाने का ऑर्डर देते हैं। जज साहब कह रहे हैं हाईकोर्ट की दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने जाकर अगले सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डाल दिया। अब वो ठंडे बस्ते में चला गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। आज पॉपुलर फ्रंट पे क्रैकडाउन हुआ है, इंक्वायरी कीजिए। अगर ये गलत हैं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि इनको छोड़िए, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि हम इसको मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, इनको अंदर डालिए, और वो लोग जो कहते हैं हिंदू देश बनाएंगे उनको अंदर डालिए, दोनों को अंदर डालिए। जबरदस्ती से मुसलमान होने की वजह से किसी के साथ ये नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। आगे भी लो आ गया। मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी। सरकार बदल ली है। आज हम लोग पैदल आने वाले थे, लेकिन पुलिस की बड़ी मेहरबानी उन्होंने गाड़ी में बिठा दिया। अगर बोलूंगा मेहरबानी तो डंडा मार के जेल भेज देंगे भाई। चार डंडा मारे क्या कर लूंगा मैं, कर क्या लूंगा? जो चाहे कर ले लोग, सरकार इनकी है ना, ये जो चाहे कर ले। इन्होंने कहा नहीं आपको नहीं जाने देंगे, आपको यहाँ छोड़ते हैं बस में जाकर। आए हम लोग यहाँ पर, ठीक है आप जितना चाहे जूम कर लें, लेकिन हम लोग अपना आंदोलन जारी रख रही। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ मुसलमानों से, शपथ लेना चाहता हूँ। शपथ लोगे आप लोग? शपथ लो, कसम लो। आज ये नफरत फैलाते हैं ना, हम मोहब्बत फैलाएंगे। आग को बुझाने के लिए आग नहीं बल्कि पानी चाहिए। इनकी आग को बुझाने के लिए हम पानी लाएंगे। रसूलुल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते हो मुसलमानों?
बिस्मिल्लाह को मानते हो ना? मानते। सही बोलो यार। जी मानते। रसूलुल्लाह के हुक्म पे अपना जान दे सकते हो? पक्का? उन्होंने जो कहा वो करो। ए खाओ शपथ आज, आज शपथ खाओ। इस आज की सादा के 40 पीछे, 40 दाएं 40 बाएं, ये कौन है? हमारा पड़ोसी है। रसूलुल्लाह ने 40 घर आगे 40 पीछे 40 दाएं 40 बाएं को पड़ोसी माना है। पड़ोसी कहां का इतना बड़ा है ना कि लोग समझने लगे कि कहीं प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा ना बन जाए। उन्होंने कहा कि अगर तुमको अल्लाह ने भर पेट खाना दिया है और तुमने पूरा पेट खाना खा लिया, तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तो तुम मुसलमान नहीं हो। क्या हुआ है? तुम मुसलमान नहीं हो। ये रसूलुल्लाह ने कहा है। हम मुसलमान है कि नहीं है? है तो मेरा पड़ोसी कोई भूखा रहेगा तो हमको खुशी होगी क्या? वो कितना कट्टरपंथी आरएसएस वाला हो, कितना कट्टरपंथी हिंदू हो, कितना कट्टरपंथी कोई भी इंसान हो, होने दो उसको। लेकिन तुम रसूलुल्लाह के हुक्म से आज से तय करना कि मेरा पड़ोसी अगर रात को खून मांगेगा तो आप बहुत सारे हिंदू रहते होंगे वो नहीं देंगे, लेकिन मुसलमान उस अपने पड़ोसी को अपना खून देकर उसकी जान बचाएगा। समाजवादी पार्टी बोलो, शपथ लेते हो? हम शपथ लो। दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ, दिल पे हाथ रखो। बोलो बोलो, सुनो सुनो, हम शपथ लेते हैं रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमारा कोई पड़ोसी किसी धर्म का भी हो, किसी जमात का हो, हमसे नफरत भी करता हो, अगर उसे किसी तरह की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तक कि उसको खून की जरूरत पड़ेगी, हम अपने बदन का खून देकर उस पड़ोसी को बचाएंगे। अगर आपने ये कर दिया ना, आरएसएस की दुकान बंद हो जाएगी। कितने अस्पतालों में आईयूसी फिर हो जाएंगे, आईसीयू फिर हो जाएगा। कितने अस्पतालों में आईसीयू में जगह नहीं मिलेगी। इन नफरत के पुजारी परेशान हो जाएंगे, कह रही ये क्या कर दिया मुसलमानों ने। हम करते हैं लेकिन दिखाते नहीं। अब दिखाओ, वीडियो बनाओ उसकी। अभी मैं सऊदी अरब गया था, एक पंडित जी मुझे मिले, खुदा की कसम सही बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा आसिम भाई मैं बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ और मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा बीमारी हो गई कि मैं मुझे जीने मुझे लगा नहीं कि मैं जीऊँगा, लेकिन ये जितने लोग खड़े हैं आपके आजमगढ़ के लोग, इन लोगों ने अपने घर में मुझे रख के मुझे बहुत अच्छी तरह इलाज कराया और आज मैं एक अकेला हिंदू 200 आदमियों के बीच में रहता हूं और मैं बहुत जबरदस्त तरीके से इनके साथ हूं। हाँ, उसने अपनी जबान में बोला है, उसका वीडियो है। हाँ, हमें ये करना चाहिए, नफरत को खत्म करना है, देश मोहब्बत बढ़ाना है। इसलिए दोस्तों मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम लोग पैदा लाना चाहते हैं लेकिन पुलिस हम नहीं आने दी, लेकिन पुलिस वाले लिख लो एक दिन हम सत्ता में आएंगे। समाजवादी पार्टी, सत्ता में आएंगे ना तो मेरा फोन आएगा ना तो आप बंद कमरे में भी खड़े हो जाओगे। बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। और अभी मुझे सर में डंडा मारते हो? कभी दिन बदल सकता है इंसान का। समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी, देखिए हमारी पार्टी में पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, देखिए समाजवादी पार्टी है, इसमें देखिए कुबेर मौर्या खड़े हैं, हमारे हिंदू साथी बहुत सारे यहाँ खड़े हैं, किशन दास दुबे जी हैं, लोखंडे साहब हैं, सोलंकी साहब हैं, हमें किसका किसका नाम है, हिंदू बहनें हमारी हैं, सब हैं एक साथ। ऐसा भारत देश होना चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको, और ऐसा ही है। अभी जाओ महाना में सब हिंदू मुस्लिम औरतें साथ रहती है, लेकिन ये आएंगे ना नेतागिरी करने वाले बांट देंगे आपको। जब कोई भी ऐसा नेता आए भाषण करे ना सब उठ के चले जाओ, सब हिंदू मुसलमान के साथ रहो। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत धन्यवाद, आप लोग आए अपनी बातें सुनी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने जल्दी एक आंदोलन के अनाउंसमेंट हुआ, आप सब आए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद। अल्लाह जिंदाबाद।
अरे बोल अबुआ सिंह हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल अबुआ सिंह हल्ला बोल, हल्ला बोल, इंसाफ दो इंसाफ दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, साथ एक तरह का इंसाफ होना चाहिए। आप हथियारों को बलात्कार किया, मिश्रम को कोर्ट से सजा हुई, सजा होना, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया गया, उनका अभिनंदन किया गया, उनका स्वागत किया गया। इंसाफ की तारीख में सबसे काला सबसे जिन लोगों ने छोड़ा उनसे सवाल किया जाए कैसे छोड़ा और उनको इसको प्रोसिक्यूट किया जाए और उनको फिर पकड़ा जाए और उनको अब फांसी की सजा दी जाए। क्या ये सरकार आपसे डर गई? आज आप जे हॉस्पिटल से रैली निकालने वाले थे और आपको देखा गया कि पुलिस की गाड़ी में लाया गया। सरकार हमसे डरती है इसीलिए पुलिस को आगे करती है। और क्या कहें सर, एक मराठी मध्ये मराठी मी बोल शकतो नाही बाबा। अच्छा ठीक आहे। प्रदीप काय झालं? इथे आला प्रदीप, प्रदीप रास्ता बनाओ, रास्ता मैं आई से साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड 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 प्लीज, ठीक है जाओ भाई, आसी बसी कर लो। आओ सुनो, अभी बाहर निकलेंगे ना, तुम निकल जाओ, किधर हो जाओ, आ जाओ माइक में, ले इधर आ जाओ भाई माइक में, आ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।